हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित कुमार और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये हमारा सेक्शन कहां से लेके कहां तक आता है, सेक्शन 31 से लेके 44 तक आते हैं। तो सबसे पहला यहां पे पॉइंट क्या आता है हमारा, ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर, जो कि किसमें है, सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। दूसरा पॉइंट यहां पे हमारा क्या आता है, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन। ठीक है, ये हमारा सेक्शन किसमें आता है, सेक्शन 32 में आता है। उसके बाद यहां पे थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्या, डिलीवरी। फोर्थ पॉइंट आता है ये हमारा सेक्शन नंबर 33 में आता है, और इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ डिलीवरी जो कि हमारा किसमें आता है, सेक्शन 34 में आता है। और फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। ये पॉइंट आता है हमारा सेक्शन 35 में। और फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है, सिक्स्थ पॉइंट में हमारा प्लेस ऑफ डिलीवरी, जो कि हमारा सेक्शन 36(1) में आता है। और सेवंथ आता है हमारा टाइम ऑफ डिलीवरी जो कि हमारा किसमें आता है, सेक्शन 36(2) में आता है। और उसके बाद आठवां आता है गुड इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 36(3) में डिफाइन किया गया हुआ है। उसके बाद हमारा नाइन्थ पॉइंट क्या आता है, नाइन्थ पॉइंट यहां पे हमारा आता है टाइम फॉर टेंडर डिलीवरी जो कि सेक्शन 36(4) में आता है। उसके बाद हमारा यहां पे टेंथ पॉइंट यहां पे हमारा क्या आता है, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, जो कि हमारा किसमें डिफाइन है, सेक्शन 36(5) में। और इलेवेंथ पॉइंट यहां पे हमारा आता है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी के बाद यहां पे हमारा इलेवेंथ पॉइंट क्या आता है यहां पे हमारा एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी फॉर डिलीवरी के बाद यहां पे आता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। उसके बाद ये आता है हमारा सेक्शन 37 में। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमारा 12th पॉइंट आता है, कौन सा आता है 12th पॉइंट, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी के बाद आता है हमारा इंस्टॉलमेंट डिलीवरी जो कि हमारा ये सेक्शन किसमें आता है, सेक्शन 38 में आता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है 13th पॉइंट, डिलीवरी टू कैरियर जो कि सेक्शन 39 में डिफाइन कर रखा है। उसके बाद हमारा आता है 14th पॉइंट हमारा क्या आता है, डिलीवरी टू कैरियर के बाद उसके बाद आता है हमारा
फिर हमारा 14th पॉइंट आता है डेटर आयोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, जो कि हमारा कौन सा है सेक्शन 14। उसके बाद आता है हमारा 15th पॉइंट जो कि क्या है बायर्स राइट टू एग्जामिन, राइट टू एग्जामिन द गुड्स, जो कि हमारा सेक्शन 41 में क्या है डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है हमारा यहां पे, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में यहां पे तीन सेक्शन और है जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको करवाता हूं। फिर आता है हमारा यहां पे 16th पॉइंट जो कि क्या है एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो कि किसमें सेक्शन 42 में डिफाइन कर रखा है। उसके बाद यहां पे आता है हमारा 17th पॉइंट। 17th पॉइंट के अंदर हमारा क्या आता है एक्सेप्टेंस, ये हो गया 16th। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। 17th पॉइंट आता है यहां पे हमारा बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, सेक्शन 43 में ये क्या होता है डिफाइन होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेगलेटिंग एंड रिफ्यूजिंग the delivery of goods, ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 44 में डिफाइन किया है। जो ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको करवाया है ये हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर पढ़ाया जाता है, और ये हमारे पेपर में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और अच्छी तरह याद कर लें। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये वीडियोस उन सभी बच्चों के काम आ सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।